अब हम सीखेंगे शहनाई वाला म्यूजिक, बहुत ही शानदार म्यूजिक है। देखिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड पर 90s का सुपर डुपर हिट सैड सॉन्ग, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बहुत ही शानदार गाना है और शानुदा की आवाज है तो सोने पे सुहागा है। इस गाने को सीखना बहुत ही आसान है और जितना ये गाना हिट है उतना ही इसका म्यूजिक भी हिट है। हर कोई इस गाने के साथ साथ इसका म्यूजिक भी बजाना सीखना चाहता है और साथ में कॉर्ड्स कैसे लगाना है इस गाने पर, इसके लिए भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है। तो चलिए सीख लेते हैं हमेशा की तरह बहुत ही सरलता से, स्टेप बाय स्टेप और नोटेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो गाना है ये है एफ शार्प माइनर पर। एफ शार्प, ए, सी शार्प, ठीक है, ये हो गया एफ शार्प माइनर। और इस गाने की जो शुरुआत हम करेंगे वो किस बटन से करेंगे या किस की से करेंगे, वो शुरुआत हम करेंगे हायर ऑक्टव के सी शार्प नोट से, ठीक है। और इस वक्त जो मैंने टोन सेट की हुई है वो है ग्रैंड पियानो, जिसका नंबर है 001। और ये जो पियानो का मॉडल है ये है केसियो कंपनी का CTK 2100। और जल्दी ही एक नया पियानो भी आने वाला है जैसे कि आपने पोस्ट में देख लिया होगा, और कौन सा आने वाला है ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। जब आ जाएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा, मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा और उसके सारे फीचर्स भी आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोग भी पोस्ट पर ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों की नज़रिए में कौन सा पियानो बेस्ट है, क्योंकि पियानो जो मैं ले रहा हूँ वो आप लोग को सिखाने के हिसाब से ही ले रहा हूँ। उसमें मैं आपको बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाऊंगा, उसमें खुद की कंपोजिशन कैसे बनानी है या फिर गानों के जो ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं वो किस तरह से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं उस पियानो में आप लोग को सिखाया करूँगा। तो इंतज़ार है मुझे उस पियानो का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो गाना शुरुआत होता है, सबसे पहले एक म्यूज़िक पार्ट आता है, पहले आप उस म्यूज़िक पार्ट को देखिए। और वो जो म्यूज़िक पार्ट है वो सिर्फ तीन नोट पर है, बहुत ही आसान है, सी शार्प, डी शार्प और ए। सी शार्प डी शार्प हायर ऑक्टव के और ए मिडिल ऑक्टव का, सिर्फ इन तीन नोट पर वो पूरा म्यूजिक प्ले हो जाता है। ये चीज़ है, इसको आपको दो बार प्ले करना है। देखिए बहुत ही सरल है, क्या करना है, सबसे पहले सी शार्प को छः बार प्ले करना है, कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक उसी प्रकार हमको डी शार्प को भी 6 बार प्ले करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर वापस से सी शार्प पर आ जाएंगे, 6 बार प्ले करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर लास्ट में ए नोट पर आएंगे और इसको भी 6 बार प्ले करेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस इतना करना है, कैसे। ठीक इस तरह से करना है और यही हमको एक बार फिर से प्ले करना है, यानी कि रिपीट करना है इसको। तो बहुत ही सिंपल था ये म्यूजिक। अब इस म्यूजिक को अगर आप थोड़ा भराव के साथ प्ले करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। ये जो एफ शार्प है मिडिल ऑक्टिव का, इसको आप अपने दूसरे हाथ के फिंगर से 6 बार दबाइए और साथ में सी शार्प को भी दबाइए, यानी कि जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है, मगर साथ में एफ शार्प को भी प्ले करते जाना है, ठीक है। जैसे कि हमने सी शार्प को 6 बार प्ले किया तो साथ में एफ शार्प को भी 6 बार प्ले करिए, देखिए ऐसे, और इसी तरह से डी शार्प को भी, साथ में कॉमन रहेगा एफ शार्प, ठीक। फिर सी शार्प को भी वापस, फिर ए को भी प्ले करेंगे तब भी एफ शार्प कॉमन रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमने एफ शार्प को और साथ में जोड़ देना है इनके, तो थोड़ा भराव आ जाएगा। तो किस तरह से प्ले होगा ये, ठीक है, तो थोड़ा भराव आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है, और 2 बार प्ले करना है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे शानुदा का अलाप है, बहुत ही प्यारा अलाप है। तो वो अलाप पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस अलाप को प्ले करने के लिए हम टोन चेंज कर लेते हैं, टोन हम रख लेते हैं इसमें एकॉर्डन सेकंड, जो मेरी फेवरेट टोन है 066। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से अलाप है शानुदा का, बहुत ही प्यारा है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या सीखेंगे,
क्या किया हमने, ए नोट से शुरू किया मिडिल ऑक्टेव के। स्लो देखिए इसको पहले, ठीक ए सी शार्प डी शार्प फिर ई फिर डी शार्प फिर ई, ठीक ये किया हमने। और कॉर्ड क्या लगाया हमने, ए सी शार्प ई, ठीक है इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, ये तो बहुत इजी है, सिर्फ दो नोट पर डी शार्प और सी शार्प, क्या किया डी शार्प सी शार्प डी शार्प सी शार्प, और उसके बाद कॉर्ड लगा दिया वही चीज ए सी शार्प और ई। तो ये कैसे प्ले होगा, ठीक। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो देखिए, इसमें क्या किया सी नोट से शुरू करना है, सी सी शार्प सी सी शार्प सी सी शार्प, उसके बाद एफ शार्प जी शार्प और ए पर आके हमें कॉर्ड लगा देना है। कैसे कॉर्ड क्या लगाना है, एफ शार्प ए और सी शार्प, ठीक है एफ शार्प माइनर, और फिर लास्ट में बहुत ही आसान है, क्या किया जी शार्प ए जी शार्प एफ शार्प, और फिर कॉर्ड वही लगा देंगे एफ शार्प ए सी शार्प, ठीक। कैसे ठीक, इसके बाद फिर एक म्यूजिक आता है उसको देखिए, पहले आपको प्ले करके दिखा रहा हूं फिर आपको बताऊंगा। देखिए इस तरीके से, तो इसको देख लीजिए। तो इस म्यूजिक को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, पहले क्या ये चीज, क्या किया ठीक है, और इसके बाद जाम रुके थे वहीं से शुरू डी शार्प से, क्या किया हमने डी शार्प एफ एफ शार्प जी शार्प बी ए जी शार्प फिर वापस ए और फिर डायरेक्ट एफ शार्प ऐसे, ठीक है। तो कैसे किया ठीक, और जैसे ही एफ शार्प पर आपकी फिंगर रुकेगी तो यहां पे कोड लगा देना एफ शार्प ए और सी शार्प, ठीक है इस तरीके से। तो एक बार इस वाले म्यूजिक पार्ट को कंटिन्यू देखिए, ठीक इस तरीके से आपको प्ले करना है। अब इसके बाद जो म्यूजिक है लास्ट वाला उसको देखिए, इसके बाद गाना शुरू हो जाता है। तो ये जो एंड जो होता है म्यूजिक का वो कैसे होता है देखिए, इस तरीके से हमें म्यूजिक एंड करना है। तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, हायर ऑक्टेव के डी शार्प से, यहां से क्या किया डी शार्प सी शार्प बी और वापस से डी शार्प, ठीक है। लास्ट में आप बी और डी को, बी और डी शार्प को दोनों को एक साथ दबा दें, कैसे इस तरीके से, ठीक है। तो भराव भी आ जाएगा, दो कीज का कोड लग जाएगा, थोड़ा भराव आ जाएगा, तो कैसे ठीक। अब इसके बाद फिर से तीन नोट सी शार्प बी और ए, इनमें देखिए क्या किया ठीक, पहले फिर हो गया। अब इसके बाद एंड कैसे होगा, एंड कहां से जी शार्प से, क्या किया ठीक एफ शार्प पर रुक जाएंगे और कोड कौन सा लगेगा एफ शार्प माइनर, ठीक एफ शार्प पर आकर रुक जाएंगे और कोड कौन सा लग जाएगा एफ शार्प ए और सी शार्प एफ शार्प माइनर, ठीक इस तरीके से। तो यहां पर म्यूजिक एंड हो जाता है, इसके बाद शुरू होता है गाना। तो गाने की जो पहली लाइन है वो है
जीता था जिसके लिए, ठीक है। तो ये लाइन हमारी स्टार्ट होगी हायर ऑक्टव के डी शार्प से, यहां से, ठीक है। पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।